दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और इविल नन पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इविल नन गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को पकड़ लेती है। इविल नन घर के अंदर लकड़ियां लेने जाती है ताकि वो रॉड को भी पका सके। जैसे ही इविल नन अंदर जाती है, रॉड दोनों मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है, और जैसे ही इविल नन वापस आती है, रॉड इविल नन को भी फ्रीज कर देता है। रॉड गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा की रस्सी खोल देता है। इविल नन ने बुल्ली और शॉन को मार मार के बेहोश कर दिया था, इसलिए गुल्ली और रॉड बुल्ली और शॉन को पीठ पे उठा लेते हैं। लेकिन तभी इविल नन और मॉन्स्टर बर्फ तोड़ के बाहर आ जाते हैं। रॉड गुल्ली और बाबा वहां से भाग जाते हैं और घर के दूसरी तरफ छुप जाते हैं। तभी रॉड बाबा से कहता है कि हम उस कुएं में कूद के इविल नन की दुनिया में तो आ गए, लेकिन अब वापस हमारी दुनिया में जाने का रास्ता तो हमें पता ही नहीं है। रॉड रोते हुए बाबा से कहता है कि मुझे नहीं लगता हम कभी भी वापस हमारी दुनिया में जा पाएंगे। तभी रॉड गुल्ली और बाबा ने देखा कि मॉन्स्टर उन्हें ढूंढ रहा था, इसलिए वो लोग घर के दूसरी तरफ चले जाते हैं। बाबा ने देखा कि दूसरी तरफ से इविल नन आ रही थी। बाबा गुल्ली और रॉड दोनों तरफ से फंस जाते हैं। अब आगे की स्टोरी। इविल नन बाबा और गुल्ली के पास पहुंचने ही वाली थी, तभी मॉन्स्टर इविल नन को बुलाता है। इविल नन मॉन्स्टर के पास जाती है। मॉन्स्टर ने कहा वो लोग इस कुएं में कूद के वापस अपनी दुनिया में चले गए होंगे। तभी दूसरा मॉन्स्टर आके कहता है कि हाँ, मैंने हर जगह देख लिया, वो लोग कहीं पर भी नहीं है, पक्का वो लोग इस कुएं में कूद के वापस अपनी दुनिया में चले गए हैं। बाबा ने कहा उस कुएं में कूद के हम वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं। इविल नन बहुत गुस्से में आ जाती है। इविल नन उन दोनों मॉन्स्टर से कहती है, चलो हमें भी जल्दी से उस दुनिया में जाना होगा, मैं आज उन सबको छोड़ूंगी नहीं। इविल नन उन दोनों मॉन्स्टर के साथ कुएं में कूद जाती है। बाबा गुल्ली और रॉड कुएं के पास आते हैं। गुल्ली ने देखा कि कुएं में बहुत ही अंधेरा था। गुल्ली बाबा से कहता है कि इस कुएं के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा ने कहा चाहे कुछ भी हो, हमें इस कुएं के अंदर कूदना ही होगा, क्योंकि वापस हमारी दुनिया में जाने का ये एक ही रास्ता है। रॉड गुल्ली और बाबा कुएं में कूद जाते हैं। बाबा गुल्ली और रॉड फिर से एक टनल से नीचे जा रहे थे। थोड़ी देर में रॉड गुल्ली और बाबा वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। बाबा ने देखा कि इविल नन और मॉन्स्टर उन्हें ढूंढ रहे थे। बाबा ने रॉड और गुल्ली से कहा कि मैं तुम लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बना देता हूँ, फिर मैं इविल नन से लड़ने जाऊंगा। रॉड ने कहा नहीं बाबा, मैं भी आपके साथ आऊंगा इविल नन को मारने। बाबा ने कहा ठीक है रॉड। बाबा ने कहा लेकिन मैं सबसे पहले गुल्ली बुल्ली और शॉन के लिए सुरक्षा कवच बना देता हूँ। सुरक्षा कवच बनने के बाद अगर इविल नन और मॉन्स्टर ने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की तो उन्हें जोरदार करंट लगेगा। बाबा सुरक्षा कवच बना देते हैं। तभी मॉन्स्टर बाबा गुल्ली और रॉड को देख लेता है। मॉन्स्टर इविल नन से कहता है वो लोग वहाँ पर है। इविल नन बाबा गुल्ली और रॉड को देख के बहुत गुस्से में आ जाती है। इविल नन मॉन्स्टर से कहती है चलो आज मैं उस बाबा को कच्चा चबा जाऊंगी। इविल नन और मॉन्स्टर आगे बढ़ते हैं। बाबा ने देखा कि इविल नन और मॉन्स्टर आ रहे थे। बाबा और रॉड बाहर जाते हैं। इविल नन बाबा से कहती है कि तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, आज मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। यह क्या, बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया। अब इविल नन और मॉन्स्टर को कोई नहीं बचा सकता। बाबा इविल नन को जोरदार किक मारते हैं। बाबा की किक से इविल नन दूर जाके गिरती है और यहाँ रॉड मॉन्स्टर को मारने लगता है। लेकिन तभी दूसरा मॉन्स्टर रॉड को मार के गिरा देता है। दोनों मॉन्स्टर रॉड को मारने आगे बढ़ रहे थे, तभी गुल्ली मॉन्स्टर को जोरदार मुक्का मार के गिरा देता है। रॉड दूसरे मॉन्स्टर को भी मार के गिरा देता है और यहाँ बाबा इविल नन को बुरी तरह से धो रहे थे। तभी दोनों मॉन्स्टर उठ जाते हैं। मॉन्स्टर रॉड को मुक्का मार के वहीं पे गिरा देते हैं।
दोनों मॉन्स्टर गुल्ली को मारने आगे बढ़ रहे थे। गुल्ली बहुत डर जाता है। तभी बाबा ने देखा कि दोनों मॉन्स्टर गुल्ली को मारने जा रहे थे। बाबा अपने करंट से दोनों मॉन्स्टर को जला देते हैं। बाबा ने दोनों मॉन्स्टर का खेल खत्म कर दिया। इविल नन बाबा से कहती है, तूने मेरे दोनों मॉन्स्टर को मार दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुझे मार के रहूंगी। बाबा अपनी सुपर किक से इविल नन को मार के गिरा देते हैं। पर इस बार जैसे ही इविल नन उठती है, बाबा अपने करंट से इविल नन को भी जला देते हैं। बाबा ने इविल नन का खेल भी खत्म कर दिया। बुल्ली और रॉड ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा अपनी पावर से बुल्ली और शॉन को ठीक कर देते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड साथ में डांस करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सीरीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।